नमस्कार, मैं हूँ आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। इस वक्त हम कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बघपरना गांव में मौजूद हैं। यहां पर कल एक ऐसी घटना घटी है कि वह घटना सुन के आपका हृदय दहल जाएगा, कलेजा आपका मुंह को आ जाएगा। एक ऐसी घटना घटी है, परिवार का एक लौटा कमाऊ सदस्य जिसकी कल परसों पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के काफ़ी हंगामे के बाद नेबुआ नौरंगिया थाना ने मुकदमा दर्ज किया आरोपियों के विरुद्ध, लेकिन उसमें भी अभी खबर यह सामने आ रही है कि जो सहयोगी आरोपी हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से पुलिस कतरा रही है। यहां तक की खबर यह भी है कि वह कुछ रसूखदार हैं जिनके ऊपर मुकदमा पुलिस दर्ज नहीं कर रही है, और जो पीड़ित हैं उनको यह कह रही है कि अगर उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा तो आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। पूरा मामला कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बघपरना का है। यह मामला शुरू हुआ था चुनावी कहा सुनी को लेकर के, किसको वोट देना है, कौन किसको वोट देगा, इसी बात को लेकर यह मामला शुरू हुआ और मामला पहुंच गया मारपीट में। मारपीट के बाद एक पक्ष इतना हावी हो गया कि वह एक बुजुर्ग ब्राह्मण जो कि कथा पूजन पाठ करके अपने घर का जीविकोपार्जन करता था, जिसके घर पे 3 बेटियां हैं और बेटे जो कि अभी बेरोजगार हैं, इकलौता कमाऊ सदस्य था, माफ़ी चाहता हूँ, 5 लड़कियां हैं और इकलौता कमाऊ सदस्य था जो कि अब पूजा पाठ करके अपने परिवार का वह पंडित जी भरण पोषण करते थे, और उनकी कल परसों हत्या कर दी गई पीट पीट कर बुरी तरह। मौके पर सूचना पाकर पुलिस पहुंची थी, लेकिन वह सिर्फ उनका इलाज कराने की हिदायत दे करके कि इलाज कराइए और अगले दिन आकर के आप थाने पे तहरीर दीजिएगा, इतना खानापूर्ति करके पुलिस यहां से हट गई। लेकिन घटना इतनी बड़ी थी कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हम उनके दरवाजे पे ही मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि वो कितने वो परिवार कितना गरीब है और किस हालात में वह जी रहा है। यह मकान आप देख सकते हैं कि कितना एक अगर व्यंग की भाषा में कहा जाए तो कितना आलीशान मकान पंडित जी ने पूजा पाठ करके बनवाया हुआ है कि साफ देखने से लग रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस परिवार को बनाने में, कितना पेट अपना काटा होगा, अपने बच्चों का पेट काटा होगा, तब एक दो दीवार यह खड़ी हुई है और ऊपर कटरैन है। हमारे पीछे उनके परिजन मौजूद हैं जो अभी मैं यह खबर चलाने की हिम्मत नहीं रख रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पे लोगों का रोदन, लोग रो रहे थे, लोगों की चीत्कार गूंज रही थी। यह घटना इतनी बड़ी है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और अभी भी इस गांव में फोर्स तैनात है। 3 दिन हो गए घटना को और अभी भी गाँव में फोर्स तैनात है। हमारे पीछे उनकी बेटी है, उनकी विधवा पत्नी भी अभी मौजूद है। अब क्योंकि घटना ऐसी है कि मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, मैं ये खबर बना नहीं पाता हूं, लेकिन मजबूरी है, पत्रकार होने के कारण खबर बनाना ही पड़ेगा। हमारे पीछे उनकी बेटी है, हम उनसे जानेंगे कि क्या घटना हुई थी। और ऐसी सूचना है कि घटना के वक्त वो वहां पे मौजूद थी, उनके ऊपर भी आरोपियों ने हमला किया था, उनके ऊपर भी जिसमें उनको भी चोटें आई थी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या हुआ था, किस कारण से यह घटना हुई और कहाँ से यह मामला शुरू हुआ। आइए जानते हैं इनको क्या मामला हुआ था पूरा। क्यों, क्या मामला पूरा कर रहे थे? मामला कुछ नहीं, वोट का था। मामला कैसा, वोट का क्या? वोट का वही यदि भाजपा को देना है, भैया बोले वो भैया बोले कि भाजपा को देना है, तो गाली दे के बोला है कि नहीं बहुत समाज पार्टी को देना है, वो दारू पिया था तो इसीलिए भैया को गाली बोले दिया है, तो उसके उसमें और भैया में झगड़ा हुआ है। कौन लोग थे वो? शंभू चौधरी और मेरे भाई थे। तो आपके भैया से झगड़ा हुआ, उसके बाद आपके पिताजी तक बात कहाँ से पहुँच गई है? पापा गए थे पूजा कराने, शाम को आए हैं, घर पे बैठे थे, दरवाजे पे लाइट भागा है, उसके बाद से बड़े वाले भैया को हम खाना बना रहे थे, मम्मी इस रूम में इस घर में थी, हम इस घर में थे, तो खाना बना रहे थे, पापा दरवाजे पे बैठे थे, अब बड़े वाले भाई बैठे थे बाइक पे, उनको लाइट भागते समय उनको बकुआ और राड से मार के वहीं पे गिरा दिए। सब लोग देखे तो बोले, आके बोले, तब हम लोग जाने तो गए पापा,
तो पापा को भी घींच के मार रहे थे, तो हम गए बीच में, तो हमको भी हमने कर दिया। छोटे भाई, छोटे भाई इस समय हॉस्पिटल में, बड़े भाई परसों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, इस समय आए पूरा। आप लोगों ने तहरीर थाने पे तहरीर दिया हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है अभी? हाँ दी है, मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ हुआ है, देखिए सुनवाई क्या करते हैं। तो अब जिनके खिलाफ आपने तहरीर दी है, उसके अलावा कोई और भी इस घटना में मौजूद था जिसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? उसके पूरा परिवार था, उसके मतलब पटदारी के लोग थे। मामला देखिए, जहाँ तक ये बता रही हैं कि चुनावी बहस से शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाजपा और सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस मामले में यह बहस शुरू हुई थी कि किसको वोट देना है, सपा और भाजपा में। तो जो पंडित जी का परिवार है, यह सुनने में यह आया है कि यह बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रह चुके थे, जिनकी वजह से इनका पूरा परिवार भाजपाई है और वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पक्ष में थे। लेकिन जो विपक्षी गण है, शंभू चौधरी और अन्य, जिनका जो कि इनका परिवार बता रहा है, वह समाजवादी पार्टी को वोट करने के पक्ष में थे। इसी बात को लेकर कहासुनी सुबह में शुरू हुई और वह धीरे धीरे हाथापाई के बाद मारपीट में बदल गई और इतनी भयंकर मारपीट हुई कि इस परिवार के एक सदस्य को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लड़की छुटा चल गो दियो अभी हला रानी आदु गुजरात आबे आयो के दत वाला या पैक सुन गो घर वाला तो दादा था। कभी निश्चित रही न्याय तो मिली, एक बात ध्यान रखो, हमके न्याय तो मिली, फांसी चाहिए, न्याय मिली, जितना आई जा कड़ाई सजा हो सकेला उतना जा हम नहीं जा गोर बा उठा है के केउ नाही कोई सकेला की हां केउ गाल सब पूछा जा हमके घर घटना कइले बा कोई दिन तनी एक लड़का से दिन कोई कोई जा हाथा भाई अब जो अतर ल मुआवे कर पाबो कैलो ल जो तनी कुल के मुआवे के के कोनो नहीं बा ओ है जे मरो जे मारो आओ दिन ओया को के 11 बजे होई जा 11 बजे सब पूरा गांव देख लबा अपना मोट का डांटा शंभू आ थे ओकर लड़का हम के तंग कितना में लेके अपना मोट डांटा इतना गंदा गंदा गाड़ी 11 बजे पूजा 11 हम करतो लड़की एक लाइटवा भागल पूरा लोग जानता है ओकरे बास है ये लोग के छोड़ावत में अपना मालिक के गेहूं छोड़ावत में उनके छपली तो बाबू कहे कि पापा घर में घुस के कहे कि बाबू समझा दे जन के मेला थाने को मरिया को ओकरे बाद 7 बजे शंभू चौधरी पिंटू प्रधान लग पिजला बाणे जरोहल बाणे ओकरे बाद ही हमला भइल बा जब मेरे पिताजी को गिरा दिया गया उसके बाद से फोन करके पूछे कि रे बढ़िया से विधो तो हमारा से आके जब लाठी लेके जाए लगन जब मेहरारुआ कहती है कि मोबाइल पर बोलता है कि बिधगर गढ़ला बड़ा जाना अब इन इतना हालत के बाद प्रधान ओकरे बाद हमार लड़कन मरत में लड़का हमार ओजा से आके ये जा गिरल हो जाए में झंडा में ओजा से जाके अरे तन गाड़िया ले चला जब हमारे पापा के लादी के गाड़ी नहीं लगा गाड़ी निकल ले से आयल बा
तब लात लेकर बनी जा एम्बुलेंस आ गया है उसके पास से पुलिस की गाड़ी है ए जा कोटवा गई बन जा कोटवा से ये जिला पर से क्यों नहीं आई तुरंत कोई नहीं आया तुरंत कोई नहीं आया उसके दरवाजे पर से लाकर मेडिकल अभी मौके पे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे जी यहाँ पे आए हुए थे पीड़ित परिवार का हाल चाल लेने के लिए। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर में इनको घटना की सूचना कैसे मिली और अभी तक इनके संगठन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कैसे घटना की सूचना आपको कैसे मिली? मैं सुबह देवरिया कार्यक्रम में था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कुमार द्विवेदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान लिया और मुझे जो है निर्देश दिया कि तुरंत आप वहाँ जाइए, तो ग्राम सभा में पीड़ित परिवार से मिलिए, तब मैं यहाँ आया। क्या आपके संगठन की तरफ से क्या पीड़ित परिवार जो कि बहुत ही गरीब परिवार है, तो क्या आपके संगठन की तरफ से क्या किस प्रकार की मदद की जाएगी? हमारा संगठन जो है पीड़ित परिवार के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो लड़ाई कितनी भी लड़नी हो। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सख्त निर्देश है कि न्याय दिलाना ही है, चाहे जिस कीमत पर दिलाओ। पीड़ित परिवार को कहीं भी हम लोग ऐसे अकेला नहीं रहने देंगे, उनके लिए किसी हद तक जाके लड़ाई लड़ेंगे। पडरौना के अभी वर्तमान सांसद जो है कुशीनगर लोकसभा के, वो भी ब्राह्मण है, विजय दुबे जी का नाम है, और वर्तमान में दूसरी बार भाजपा ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। इस गांव में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, लेकिन जहां तक सूचना है वो अभी तक इस जगह पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए आए नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो हमारे ब्राह्मण नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको दो बार अपनी जात याद आती है, एक बार बेटी की शादी करना हो तो ब्राह्मण ढूंढते हैं और दूसरे बार वोट लेना है तो ब्राह्मण ढूंढते हैं, अदरवाइज वो अपने समाज को कभी नहीं पूछते हैं और कभी ध्यान नहीं देते हैं। अभी तक मतलब इस स्थान पे अभी तक सांसद जी आए नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? अब हम उनके बारे में क्या कहेंगे, वो क्यों नहीं आए वो पर्सनल जानते होंगे कि वो ब्राह्मण सांसद हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, एक ब्राह्मण की हत्या हुई और उन्हीं के वोट के लिए हुई है, वो नहीं आए तो मैं इसमें क्या कहूँ, अब वो इसके जिम्मेदार हैं। घटना में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।